हाय गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाइल लूप का यूज़ करके किस तरीके से आप लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। सो व्हाइल लूप चलाने के लिए आपको पहले इस लिस्ट के लेंथ की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि इस लिस्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो लेंथ फंक्शन का यूज़ करेंगे हम लोग, और इसमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वह हमें ये रिटर्न करके देगा, जिसे हम लोग एक वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं। वेरिएबल का नाम हमने रख दिया एन। तो लेन फंक्शन क्या करेगा, लेन फंक्शन ए के पास जाएगा और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करेगा और रिटर्न कर देगा एन पर। उसके बाद हमें ज़रूरत है एक वेरिएबल आई की, जिसका हम लोग वैल्यू इनिशियली लिखेंगे ज़ीरो। देन यहाँ हम लोग लगाएंगे व्हाइल लूप। हम लोग व्हाइल में कहेंगे कि व्हाइल आई लेस देन एन, यानी कि व्हाइल तब तक चलेगा जब तक कि आई लेस देन एन रहेगा। और इसके अंदर हम लोग कोड लिखेंगे प्रिंट ए आई, देन हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे अपने आई को। देन मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद पहले मैं इसको रन करके एक बार दिखाता हूँ, देन हम लोग इसको समझेंगे कि ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा। सो इसको मैंने रन किया, हमें सारे एलिमेंट्स यहाँ पर एक्सेस होकर मिल जाते हैं। अगर आपको इंडेक्स नंबर भी चाहिए तो आपको सिंपली आई को भी प्रिंट करना पड़ेगा। सो सिंपली आई लिख दीजिए, आई कॉमा, इससे हमें एलिमेंट मिलेगा और इससे हमें हमारा इंडेक्स मिलेगा। सेव किया मैंने इसको। सेव करने के बाद इसको हम लोग रन करें तो हमें 0, 10 और एलिमेंट इंडेक्स नंबर दोनों ही साथ में मुझे मिल रहा है। अभी हम लोग देखते हैं कि ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है और कौन सा कैसे काम कर रहा है। ये कोड एग्जीक्यूट हुआ तो हमें एक लिस्ट मिल गया। हम लोग जानते हैं कि इसका इंडेक्स 0, इसका इंडेक्स 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 4, इतना हमें पता है। जब ये कोड एग्जीक्यूट हुआ तो ए लिस्ट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको काउंट करेगा ये और इसको रिटर्न कर देगा एन में। तो हम लोग देखते हैं काउंट करके, ये 1 से काउंट करता है, तो 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि 5 एलिमेंट्स हैं। तो ये 5 एन की जगह पर क्या रिटर्न कर देगा, 5। देन ये सिंपली आई इक्वल 0 है, तो आई का हम लोगों ने 0 इनिशियलाइज किया हुआ। जब ये व्हाइल पहली बार चल रहा है तो ये कहता है कि आई जो कि है 0 लेस देन, जो कि एज इट इज़ जैसे है वैसे लिख देना है एन। एन का वैल्यू कितना हमने अभी निकाला, 5, तो यहाँ चला है 5। ये इस कंडीशन को चेक करेगा कि क्या 0 लेस देन 5 है। अगर ये ट्रू है तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स होगा तो नहीं होगा। सो ये हम लोग देख रहे हैं कि 0 इज़ लेस देन 5। जी हाँ, ये बिल्कुल हमारा कंडीशन ट्रू है। तो इसके अंदर का कोड जब एग्जीक्यूट होता है ये वाला, तो ये कहता है कि प्रिंट करो आई, आई का करंट वैल्यू कितना है 0, जिससे आपको यहाँ पर 0 देखने को मिलता है। देन कॉमा, ये कहता है ए आई, ए आई मतलब ए 0, तो ए 0 में क्या है 10, जिससे आपको यहाँ पर 10 देखने को मिलता है। उसके बाद इस ये कोड एग्जीक्यूट होता है तो ये कहता है कि आई प्लस इक्वल 1। आई प्लस इक्वल 1 का क्या मतलब होता है, आई प्लस इक्वल 1 का मतलब होता है आई इक्वल आई प्लस 1, और आई का कितना वैल्यू है 0, प्लस 1 कर देंगे तो आई में फाइनली क्या चलाएगा, आई में चलाएगा 1। यानी कि ये जो हमारा कोड है ये एग्जीक्यूट होगा तो बाय 1 हमारा इंक्रीज हो जाएगा आई। तो आई पहले था 0 लेकिन यहाँ पर हमारा आई वैल्यू हो गया है 1। ये वैल्यू फिर से रन करता है, कंडीशन फिर से चेक होगा, आई का वैल्यू अब हमारा 0 नहीं रहा बल्कि 1 हो गया है। ये कहेगा कि क्या 1 लेस देन 5 है, क्या कंडीशन ट्रू है। जी हाँ, कंडीशन हमारा बिल्कुल ट्रू है, इसी वजह से इसके अंदर कोड एग्जीक्यूट होता है। और प्रिंट आई, प्रिंट आई मतलब आई का करंट वैल्यू है 1, तो हमें यहाँ 1 देखने को मिलता है। और ए आई, ए आई का मतलब ए 1, तो ए 1 में क्या है 20, तो हमें यहाँ 20 देखने को मिलता है। देन अगेन ये चलता है और आई का वैल्यू फिर से बाय 1 इंक्रीज होकर 1 से हो जाता है 2। ये लूप फिर से रन करेगा, अब की बार आई का वैल्यू हमारा 1 से यहाँ इंक्रीज होकर हो गया है कितना 2। सो ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या 2 लेस देन 5 है। जी हाँ, कंडीशन अभी भी हमारा ट्रू है। तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है जो कि प्रिंट, ये कहता है प्रिंट पहले आई, तो आई का कितना करंट वैल्यू है 2, तो हमें यहाँ 2 देखने को मिलता है। उसके बाद कॉमा देकर हमने लिखा है ए आई, ए आई का मतलब ए 2, तो ए 2 में क्या है, देखिए ए 2 में हमारा -50 है, तो हमें -50 यहाँ देखने को मिलता है। देन अगेन हमारा ये एग्जीक्यूट होता है, ये बाय 1 इंक्रीज करता है आई के वैल्यू को, जो पहले 2 था अब हो गया है 3। ये लूप हमारा फिर से चलता है, ये अभी 2 की जगह हो गया है 3। ये कहता है 3 लेस देन 5, ये क्या ये कंडीशन ट्रू है। जी हाँ, ये कंडीशन बिल्कुल हमारा ट्रू है, इसकी वजह से इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है। और ये कहता है कि प्रिंट करो आई, आई का करंट वैल्यू है 3, तो आपको यहाँ पर 3 देखने को मिलता है। देन ए आई, ए आई का मतलब ए
थ्री, तो ए थ्री में है 21.3, जिसे आपको 21.3 यहाँ देखने को मिलता है। ये कोड एग्जीक्यूट होता है, ये फिर से आई का वैल्यू बाय वन इंक्रीज करता है, जो आपका पहले थ्री था अब थ्री ना होकर अब आपका हो गया है फोर। ये लूप फिर से हमारा रन करता है, अभी यहाँ पर थ्री नहीं है बल्कि हमारा ये हो गया है फोर। ये कंडीशन फिर से चेक करता है कि क्या फोर लेस देन फाइव है, जी हाँ कंडीशन ट्रू। इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है ये वाला, ये कहता है प्रिंट आई, आई का करंट वैल्यू कितना है फोर, तो आपको नीचे यहाँ पर फोर दिखाई देता है। देन ए आई, ए आई का मतलब ए फोर, तो ए फोर में देखिए आपका है गीकी सोस, तो हमें यहाँ गीकी सोस देखने को मिलता है। देन ये कोड एग्जीक्यूट होता है, ये कहता है कि आई का वैल्यू बाय वन इंक्रीज करो, तो जो पहले फोर था अब हो गया है कितना फाइव। ये लूप फिर से रन करता है, ये कहता है कि आई का वैल्यू अब हो गया है भाई मेरे फाइव, तो फाइव लेस देन फाइव, क्या ये कंडीशन ट्रू है, जी नहीं, इस बार ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया। जस्ट बिकॉज ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया, तो इसके अंदर का एक भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है, इसके नीचे अगर कोई कोड हो तो वह एग्जीक्यूट होकर हमें यहाँ पर दिखाई देगा। जस्ट बिकॉज इसके नीचे कोई भी कोड नहीं है, इसीलिए हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो गया, और इस तरीके से हमें हमारा सारा एलिमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये व्हाइल लूप आपको पूरी तरह अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और अब आप किसी भी लिस्ट का एलिमेंट व्हाइल लूप के थ्रू आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। ध्यान रहे कि मैं जब भी आपको फोर लूप और व्हाइल लूप बताता हूँ, तो मैं वहाँ बताता हूँ कि कैसे आप उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा से यही काम मिलेगा कि व्हाइल लूप का यूज़ करो और इसको डिस्प्ले करो, यहाँ आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पर अगर प्लस फाइव कर दें तो हर एक एलिमेंट में प्लस फाइव होकर आपको मिलेगा, हालांकि इसमें प्लस नहीं होगा तो आपको एरर मिल सकता है। लेकिन सिर्फ अगर इंटीजर पे काम कर रहे हैं, फिर इंटीजर फ्लॉट में काम कर रहे हैं, तो आप ऐसा काम कर सकते थे। सिंपली कहने का इतना मतलब है कि सिर्फ फोर और वाइल का यूज़ करके मैं आपको वो दिखाता हूँ कि कैसे आप डिस्प्ले कर सकते हैं एलिमेंट्स को, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आपको हमेशा जब भी यूज़ करने को मिलेगा, या फिर आप जब भी यूज़ करेंगे तो सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए ही फोर और वाइल का यूज़ करेंगे, जी नहीं। किसी भी तरह का कोई अदर ऑपरेशन हो तो वह आप यहाँ कर सकते हैं। व्हाइल लूप में अगर आप सिंपल आई लिखेंगे तो आपको इंडेक्स नंबर मिल जाएगा, जो कि ज़ीरो से और जितना भी इसका लेंथ होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, और आप जब ए आई इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो इससे आपको इस एक एक एलिमेंट का एक्सेस मिल जाएगा। अब आप इसमें प्रिंट फंक्शन लगा कर इसको डिस्प्ले करवा लीजिए, या फिर कुछ और अदर ऑपरेशन करवा लीजिए, ये आपकी मर्जी है, आपका प्रोग्राम है, आपका प्रोजेक्ट है, जो डिमांड करेगा उसके अकॉर्डिंग आपको काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। बस इतना ही है, होपफुली सबका क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।